हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्खीर है। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर वर्सेस मुल्तान क्रिकॉमेडी 148। तो वीडियो पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश स्टार्ट द वीडियो नाउ। वाओ व्हाट अ मैच यार, द पीएसएल इज हियर दोस्तों। पीएसएल आ चुका है और क्या ही कोई जबरदस्त पहला मैच जो है वो इतना जबरदस्त हो गया। एक रन से जीत गया लाहौर का। मतलब मुझे तो ये समझ आ रही कि ये जो मुल्तान वाले थे ये शुरू से इतने आराम से लाते हैं। 100 रन से ज्यादा की इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। रिजवान ने तो स्कोर किया तो मुझे लग रहा था कि हार जाने, क्योंकि जो बॉलिंग यूनिट है ना इस वक्त लाहौर कलंदर्स के पास, इस वक्त मिरानी खान किसी भी और टीम के पास वो है। और अभी इसके अंदर राशिद खान ने आना है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब बैटिंग में भी वो करेगा और ऊपर से बॉलिंग में भी आके राशिद खान जो अफगानिस्तान का है उसने आके जो यहाँ पे धमाके करने वाले। थोड़ी सी बैटिंग इनकी मुझे वीक लग रही है, लेकिन फिर भी ओके है। ऑलराउंडर्स भरे जाते हैं सीकू और वी से जो है वो, वैसे भी दोनों कुछ ना कुछ तो रन कर ही लेते हैं। वो 6-7 नंबर के ऊपर आ रहे होंगे। जो भी हो यार, बॉलिंग ऐसी बेहतरीन हो तो फिर इस किस्म के मैचेस होने ही। और क्या ही कोई थ्रिलिंग मैच हुआ है। आखिरी एक बॉल के ऊपर 6 रन चाहिए तो उसी को गेम आगे। हमारे खुशल साहब जो है, बहुत से लोग जो है वो कह रहे होंगे कि जमान ने भी बीच में अच्छी बॉली भी 3-4 अच्छी बॉली कराई, लेकिन 2-3 जो बहुत ही हल्की बॉली भी करा दी जिसके ऊपर बचत भी हो गई थी। जूसी फुल टॉस हो रही, लेकिन पाकिस्तानी तो हमेशा इस मौके के ऊपर आकर बौखला जाते हैं। हम लोग पोलार्ड से मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो कुछ भी कर सकता है, जो कि उससे नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो यार, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है। पीएसएल की भी मतलब पहला मैच हुआ है और पहले मैच भी मजा आ गया। खैर, मैच बात करने से पहले तो ओपनिंग सेरेमनी के बारे में बात कर लेंगे यार। क्या बेहतरीन किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है और बड़ा खूबसूरत जो था वो स्टेज वो सेट हुआ हुआ था। डांसर्स थोड़े ज्यादा घुसे हुए थे उसके अंदर, बहुत ज्यादा डांसर्स थे। मेरे ख्याल में कोई रह गया था तो उसको भी बुला लिया। पूरा मुल्तान ही आया हुआ था स्टेज के ऊपर डांस करने के लिए। लेकिन जो भी हो, ओवरऑल बड़ा अच्छा था। लोगों को कुछ और था, नेशनल एंथम से प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे लग रहा है कि इतनी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। थोड़ी सी जो फुलझड़ियाँ थी बहुत ज्यादा हो गई थी। फुलझड़ियों की वजह से बहुत खूबसूरत फुलझड़ियाँ हुई और उनकी वजह से हमें फ्लड लाइट के अंदर आग लग गई थी, जिसकी वजह से जो मैच थोड़ा डिले से हुआ, क्योंकि पहले थोड़े से प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं लेकिन हमने थोड़ी करनी होती है। मजे का था, अच्छा लगा मुझे काफ़ी। जो सेरेमनी थी वो स्टेज वेज बड़ी खूबसूरत लग रहा था और अच्छा लग रहा था। वो आईएमएफ वाले भी परेशान हो गए कि यार इनको ये तो कैसे मांग रहे हैं हमसे। मैंने यही कह रहा हूँ कि ये सब कुछ देखे वो बेचारे मजबूर बाप की याद आ गई, जो फिल्मों में दिखाते नहीं थे, जो अपनी किसी बेटी की शादी करने के लिए पूरे मोहल्ले से कर्जा जमा कर रहा होता, लेकिन शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, धूमधाम से करूंगा शादी। वो हमने पूरी सेरेमनी की है। कल मुल्तानी मेरे सारे दोस्त पहुंचे थे। थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि यार बेचारे मुल्तान वाले जो है वो अपनी टीम के लिए आए हुए, उनकी टीम जीती नहीं, लेकिन सब पहुंचे हुए थे। हाउसफुल था, बहुत ही बेहतरीन किस्म का क्राउड था। बड़ा ही मजा आया देख के यार। मुल्तान आई लव यू मैन। कल वीडियो में आगे इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यार मैं आ रहा हूँ इंग्लैंड में, और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि पीएसएल के अंदर से नाराजगी ना रखना, क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ और मैंने मेरी शूट भी हो रही है ड्रामे की, तो सबके अंदर ही मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि हर वक्त जो है वो मैं पीएसएल के मैचेस कवर करता रहूँगा। फिर भी जितनी कोशिश हो सकी कि मैं करूँगा। और मैं इंग्लैंड में भी आ रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं जितनी भी डिटेल्स है ना, ये ऊपर मैं एक फ्लायर शेयर कर रहा हूँ जिसको मेरी फंड रेजिंग डिनर है। इसके ऊपर 3 सिटीज़ में इंग्लैंड में। डेट्स आप लोग नोट कर लें, जो डिटेल्स हैं वो भी नीचे मैं कॉमेंट्स भी दे दूँगा, ताकि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ये फंड रेजर है, सारे के सारे पैसे जो हैं वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करें, मुझे मिलें। और वैसे तो बड़ी कंप्लेन करते रहते हैं कि मैं इधर नहीं आता उधर नहीं आता। मैं आ रहा हूँ तो वहाँ पे जितने भी CVR में उनको ये मैसेज पहुंचा दो कि यूके में मैं आ रहा हूँ, डेट्स नोट कर ले, हम मिलते हैं। कमिंग बैक टू द मैच यार, क्या बेहतरीन मैच हुआ है। और उसके अंदर रिजवान की जो इनिंग्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी, 50 रन बनाए थे और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी। ये सब उन लोगों की मुंह के ऊपर जुटी पड़ गई है जो बातें कर रहे होते थे कि इसके अंदर ये है, स्लो है, व्हाटएवर, इस तरह की चीज़ें। खूबसूरत शॉट्स खेली हैं। इनफैक्ट जो लाहौर कलंदर्स की जो इनिंग्स थी उसको देख के थोड़ा लग रहा था शेकी एजेस और ये वो निकल रही थी। हालांकि फखर जमान ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन पहले जो उसके 25-30 रन थे वो बहुत ही कमजोर किस्म के रन थे। वो बस रन उनको दे दिए गए थे, मिल रहे थे उनको रन, वो रन बना नहीं रहे थे। लेकिन मुल्तान सुल्तान भी जो पहले 10 ओवर से बहुत ही सॉलिड और बड़ी अच्छी टेक्निकली बिल्कुल सेफ किस्म की शॉट्स खेल खेल के वो जा रहे थे। इट्स अमेजिंग। T20 के जरिए जो ऊपर नीचे होते थे ना, 2 ओवर से बिल्कुल गेम ही बदल जाती है। वो किस तरह का स्टार्ट उनका था और उसके बाद फिर वो बेचारे एंड में कितना स्ट्रगल करे, इतना जोर लगा कि वो जो एंड में ज्यादा चांसेस लाहौर के ही थे। खैर, जिस चीज की मुझे सबसे बड़ी खुशी थी वो थी यार कि शाहिन शाह अफरीदी को वापस हमने देखा है। मुझे तो इसी चीज का डर लग रहा था कि यार इसके कोई घुटने छुटने का मसला है, पता नहीं सही भी हुआ है कि नहीं हुआ। बेहतरीन किस्म के रिदम में भी नजर आया। लोग जो है बड़ा कंप्लेंट कर रहे थे, भाई लोगों के स्टैंडर्ड बहुत ऊपर हो गए। लोग नाराज होना शुरू हो गए शाहीन से कि यार तुमने पहले ओवर में आउट क्यों नहीं किया इस दफा। तो यार माफ कर दो उस बेचारे को यार, पहले ओवर में नहीं किया। बहुत ही अच्छा उसने पहला ओवर वैसे कराया था, उसके अंदर एक दो क्लोज बॉलिंग नजर आ रहा था, जो कि बड़ी बात होती है। तो नहीं कि हर दफा आउट होता, लेकिन हमारे लोग भी तो फिर डिमांड इसी तरह होती है कि मुझे आउट करके दिखाओ, मैं नहीं मानता। खैर बहुत ही अच्छा कम बैक हो गया उसका। दूसरी तरफ वो फखर की भी हमें रनिंग शनिंग का इसीलिए जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, मतलब को इतने क्विक सिंगल्स वो ले नहीं रहा था, डबल्स को भी सिंगल्स ही कर रहा था। तो मुझे ये मेरा ख्याल में शायद उसके भी घुटने छुटने का इशू है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर खेल रहा है। ठीक है यार ठीक है, अभी आगे वर्ल्ड कप आने लगा है, वर्ल्ड कप के अंदर हमारी वैसी बैटिंग दो चार ही तो हमारे को बैटर्स हैं उनमें, और ओडीआई के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है फखर जमान। तो इसको बचा के रखो यार, अभी वर्ल्ड कप की जो कंडीशंस होगी ना, ये जो साउथ ईस्ट एशिया की होती हैं, ये इसके अंदर फखर जमान बड़ा बेहतरीन पिक है। खैर मैं पूरी कौम से जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा कि उन्होंने पहले ओवर के अंदर आउट नहीं किया था। पहले ओवर के अंदर बड़ी सॉलिड बैटिंग हो रही थी, उसको प्लीज एक और चांस आप लोग दे दें। दूसरी बात यह कि बहुत से घटिया किस्म के कमेंट्स भी हो रहे थे, जैसे कि हमारे इमाम के होते हैं कि शादी हो गई है तो उसके बाद से इसकी भी वो बात नहीं रही, बल्कि इनफैक्ट किसी घटिया किस्म के रिपोर्टर ने भी उनसे ये क्वेश्चन किया था निकाह के बाद आपकी किस तरह से देख रहे हैं, इसमें कोई पॉजिटिव जाएगा? अगर इस चीजों से लोग चेंज होते तो काफी चीजें चेंज हो सकती थी, बट ऑफ कोर्स एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर पता नहीं यार ये किन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है कि आप लोग जाएं और जाके आप सवाल पूछ लें। क्या कोई पीसीबी इनके ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगा सकती यार? ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ऐसे क्लिप्स निकल जाते हैं। तो को हमारा वैसे तो हम हमारी असलियत यही है, लेकिन कुछ लोगों के सामने जो ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर को थोड़ी इज्जत रख लो अपने लिए। लोग जो है शाहीन शाह अफरीदी और इन सबको पूरी दुनिया में लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो इनसे जब इस किस्म के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उससे हम लोग ही नंगे हो रहे थे। अपना पेट नंगा करने वाली बात है भाई इस किस्म के घटिया जर्नलिस्ट। और ये मेरे ख्याल में मैं पिछले 2-3 सीरीज से देख रहा हूँ, जो कराची में हो रहा था बाबर के साथ जिस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते थे, और अभी यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह के घटिया क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कोई लाइसेंस इनको मिल गया है, ये अपने वो जो पॉलिटिक्स के बीच में गाल गलोच और इस किस्म के गंद बलाक देख के ना, ये पूरा का पूरा माहौल इस तरह बन गया, इतना टॉक्सिक बन गया कि सिर्फ और सिर्फ घटिया और गिरी हुई बातें ही करनी है। इसी से मुझे याद आया कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि तुम लोगों ने मेरे अक्कू के साथ इस किस्म का सवाल किया। मेरा अक्कू तो तब गया ना, फिर किसने आपको कहा मैं टिकटॉक पर जाना था? मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरा ख्याल है कि आपके सामने ही है, तो मेरे ख्याल इस तरह के क्वेश्चन ना करें तो ज्यादा। यार वैसे आपस की बात है यार, देखो बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी कर रहा हो उसके अंदर। आप लोग होते कौन है भी इससे पूछने के बारे में? आप टिकटॉक पे वीडियो तू यार तेरे में तो वायरल नहीं है, तू नहीं आ सकता टिकटॉक के सामने, तू नहीं आ सकता किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तू नहीं आ सकता, पीछे छुप के तू क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना। तो इसमें मेरा अक्कू क्यों छुपे? उसमें टैलेंट है भाई, माशाल्लाह खूबसूरत है, बॉडी शॉडी बॉय ने बनाई हुई है, तो क्यों ना है वो लोगों के सामने। और अपने मद्दाओं के लिए आ रहे हैं ना, अपने अपने जो उसके चाहने वाले उनके लिए आ रहे हैं, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम मेरे लिए बड़ा ही घटिया क्वेश्चन था। अक्कू तुम जवाब दो इन सब लोगों को अपने बैट से, इस पीएसएल के अंदर ना तुम बस इन सबको जवाब दोगे मेरे दोस्त, मुझे लग रहा है कि अभी सबको जवाब दे देगा। खैर बॉलर भी था जो कि मुझे काफी इंप्रेस कर रहा है, सानुला नाम है इसका, मुल्तान की तरफ से जो बॉलिंग कर रहा था, माशाल्लाह कोई पेस वेस नजर तो आ रही थी, लेकिन कोई स्पीड गन्स नहीं काम कर रही थी। मैं कहा मुल्तान के अंदर पहला मैच था और कहीं मुझे तो नजर ही नहीं आएगी कितनी पेस के ऊपर बॉलिंग हो रही है, लेकिन इसमें मुझे टैलेंट नजर आया है, मुझे तो अच्छी लगी। वो फायरवर्क्स वगैरह जो पटाखे की थी कहीं उसके अंदर आपकी वो स्पीड गन भी तो नहीं सड़ गई थी, क्योंकि नजर नहीं आ रही भाई पेस वेस पे। ये हमारी तो ये गेम तेज गति की ही तो ये टूर्नामेंट है, तेज गति हमारी बारी में तेज गति नहीं होती। बस ये भी मैं आप लोगों को एक बेहतरीन किस्म का मार्केटिंग आइडिया दे देता हूं। हमारे पीसीबी में और जितने भी हमारे जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं इन सारी मैनेजमेंट के, कोई इस पूरी लीग को आप फास्ट बॉलिंग के ऊपर ही मार्केट करें दुनिया के अंदर, कि अगर दुनिया में कहीं फास्ट बॉलिंग देखनी है तो इस लीग में आओ, दैट्स द ओनली थिंग जो कि आप बेच सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये मैंने आपको $1 मिलियन मशवरा दे दिया है, आगे आपकी मर्जी। इसके लोगो, इसकी मार्केटिंग, इसकी सब चीजें जो ना इसी किस्म की तेज गति के ऊपर ही सारा का सारा फोकस होना चाहिए। फास्टेस्ट बॉल और ये बॉल वो बॉल, ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करा के उनसे भी मट्टे मरवाओ और जो भी मरवाओ, इस किस्म की चीजें होनी चाहिए ताकि पता चलता कि अच्छा यहाँ पर पेस की गेम होती है। तो खैर वो इतना हम कहाँ सोचते हैं, इस तरह हम कहाँ ब्रांड कर सकते हैं अपनी किसी चीज को। टीम हॉटन्स नजर नहीं आया, टीम हॉटन्स नाम का कोई बंदा आया था मतलब लाहौर की टीम के अंदर। मैंने सुना था यार कि लाहौर में आ गया, पूरा मैच देख लिया, मैं तो ढूंढते ही रहा कि टीम हॉटन किधर, टीम हॉटन भाई किधर। ये है क्या? भानी भाई भी जो है वापस आए हैं, उन्होंने भी कुछ हल्की फुल्की ठीक ही बॉलिंग कराई थी, कोई इतना ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं था, लेकिन फिर भी डिसेंट बॉलिंग ही थी। और उसके अंदर उन्होंने एक रन आउट जो है वो उनको चांस मिला था, जिसके अंदर बैटर जो है वो उनसे दूसरे एंड पे चले गए थे, तो उनसे पीछे थे वो और ये आगे भाग रहे थे। उन्होंने कहा कि यार वो मेरे से पीछे है, मैं दूर से क्यों मारूं, जाके ना बिल्कुल करीब से यूं करके मारूंगा ताकि कोई चांस ही ना रहे आउट ना होने का। और उन्होंने जब यूं किया तो फिर भी आउट नहीं हुआ क्योंकि वो मिस हो गया। यार ये मतलब इधर से तेरे से मिस किस तरह हो गया? ये मैंने देखा था यार, मुझे बड़ी हंसी आई। तुम गांव में सारा टाइम तो लोग वो बंटे खेलते रहते हो, उंगली यूं यूं मार मार के और बिल्कुल निशाने लग रहे थे, तुम्हें जो है वो इतनी बड़ी विकेट नजर नहीं आ रही है। वैसे इसको मैं टेक्निक बता रहा हूँ, तुम ना बॉल को इस तरह फेंकने की बजाय इसी तरह फेंको। पूरे पाकिस्तान को जो है ना मैंने ये टेक्निक बता दी, उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपनी रिवायत दिखानी होती ना, ये फील्डिंग के अंदर दिखा दिया गया। ये पाकिस्तान सुपर लीग की हो रही है, फील्डिंग जो है वो बहुत ही हल्की फील्डिंग थी वैसे दोनों तरफ से ही, वो बैठ रहे हैं, बॉल जो है वो अंडे की तरह पीछे से निकल रही है और चौके हो रहे हैं। तो अजीब किस्म की फील्डिंग हुई है इसके अंदर, जो कि हमारी रवायतें हैं, उससे हम अपनी रवायतों को नहीं भूलते। जो भी हो, खैर जो भी हो, बहुत ही बेहतरीन इसका मज़ा आ रहा है। और ये वो बहुत एक मिसिंग थी बड़े अरसे से, जो है हम लोग तो वैसे भी होम ग्राउंड के ऊपर जो खेल रहे होते थे ओडीआईज वगैरह, और ऊपर से आप पूरा पूरा दिन भी बैठ के देख रहे हैं, फिर आप हार भी जाए सीरीज़, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होती थी। तो शुक्र है कि PSL आया, रौनक वापस आई है। इस दफ़ा उतनी कोई हाइप बनी नहीं है, गाना भी उन्होंने इतना ज़्यादा लेट जो किया है, मेरा ख्याल में शुक्र है कि PSL से पहले उन्होंने कहा। गाने के ऊपर भी अजीब इसमें कॉमेंट्स आ रहे हैं, मेरा ख्याल में तो ठीक है, डिसेंट इनफ है। वो OAO जो है वो मीम भी देख रहे थे जिसके अंदर वो बता रहे थे, वो गोलमाल वाला जो OAO कर रहा होता था, OAO वाला, उससे मेरा ख्याल में इंस्पिरेशन ले लेके जो भी हो मज़ा आ रहा था। मैंने ग्राउंड में तो नहीं सुना वैसे कि कैसा है, लेकिन ग्राउंड वाला लग रहा है गाना, मुझे तो ठीक लगा। हमारी भी आदत है हर दफ़ा जब भी नया गाना आता है ना तो हम बैठ जाते हैं उस पुराने वाले के साथ कंपेयर करो, उस वाले से भाई जिसको जो पसंद आ रहा है वो वाले सुन लो यार, ये नहीं पसंद आ रहा। तो अभी नया नया है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मुझे पता है कि पिछले वाला भी जो गाना आया था उसके ऊपर इतनी चीखों पुकार हुई थी और वो बहुत कमाल था, स्पेशली ग्राउंड के अंदर वो बहुत ही कमाल लग रहा था। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जो मैच था, मैच ज़बरदस्त था, मैंने देखा था, मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आई, मज़ा उस पर आया जब दानी ने उसको जो रनआउट करने का था तो वो रनआउट नहीं कर पाया। मतलब बंदा तुमसे आगे है, तुमने बॉल उठाई और फिर विकेट की तरफ भागे, तो वहाँ पर पास में जाकर हिट मारने की कोशिश की कि अब मुझे बड़े दिख रहे हैं विकेट, अब मैं मार दूँगा, लेकिन उन्होंने मारी तो भी वो लग नहीं पाई बॉल और वो निकल गए। इतना करीबी था, बहुत ज़्यादा करीबी। एक बंदा उनको सब बोल भी रहा था, यार क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करके मारना था, नीचे नीचे मारते तो लग जाती। और हाँ, मुझे भी लगता है यार, मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, ऐसे अगर मारते वो इतनी करीब जाकर तो शायद लग सकती थी। कहीं कहीं मिस फील्डिंग्स आप कह सकते हैं कि रही थी, जैसा इसके अंदर पता चला। 1 रन से जीते हैं, लास्ट वाला हमने देखा कि चौका, उसको रोकने की कोशिश नहीं की किसी ने, क्योंकि उनको पता है कि 1 रन अभी भी बच रहा है जिससे हम जीत रहे हैं। चौका छोड़कर जश्न मना रहे थे कि चलो यार जश्न मनाओ, हम जीत चुके हैं। पब्लिक कितना क्रिटिसाइज़ करती है, कितना उंगली उठाती है, कुछ करो तो उंगली, कुछ ना करो तो उंगली, लेकिन फैंस होते हैं, क्रिकेट लवर्स होते हैं, हमेशा चाहते रहेंगे। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू कलंदर्स पहला मैच जीतने के लिए। जश्न बहुत ज़बरदस्त हुआ, लाइटें वाइटें और रॉकेट वॉकेट, आग लग गई इधर उधर, मुझे नहीं पता था आग लग गई है, अभी मुझे इस वीडियो के बाद पता चला। पहला मैच बड़ा ही धुएंधार और धमाकेदार तरीके से स्टार्ट हुआ और मतलब आगाज़ हुआ पहले मैच के साथ, जो कि लाहौर कलंदर लेकर गया है। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये आपको वीडियो। आगे के मैचेस भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा यार वीडियो ब्लॉक हो जाता है अगर हम PSL की या फिर किसी और की वीडियो देखते हैं, तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी यार कॉपीराइट के मसले हो जाते हैं। और कहीं से हम, अगर हमें ऐसी कोई वीडियो मिले, अरसलान की नहीं आएगी तो हम दूसरी वीडियोस ढूंढेंगे, मिलेगी तो करेंगे, नहीं मिली तो फिर यार कुछ वही सीन हो जाता है, ब्लॉग हो जाती है, तो यार डर लगता है। खैर, आप कमेंट सेक्शन में कोई इसके बारे में राय दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। एंड करता हूँ वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।